हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम जो है वो आपको बताएंगे कि हम कॉकटेल के साथ क्या करने वाले हैं। देखिए, हमने कुछ कॉकटेल बाहर छोड़े थे क्योंकि दाना पानी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इनको भी गर्मी लग रही थी, तो हमने क्या किया, हमने कुछ सेलेक्टेड पीसेज हमने छोड़ दिए और देखा कि ये सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते। हमने पहले दिन नोट किया इनको, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ, हमने बैठ दो, आप भी बैठ दो। हमने जो है, बस मेरे माइक पे गौर रखना, हमने जो है वो पहले दिन ये महसूस किया कि कॉकटेल जो है वो खाना पीना नहीं कर रहा, जो कि एक आम सी बात है। अमूमन एज चेंज जब हम कर देते हैं तब भी कॉकटेल का ऐसा ही बिहेवियर होता है, और ये इतने शरारती हैं, काफ़ी देर से चुप थे, जब मैंने बोलना शुरू किया तो इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। तो पहले दिन हमने देखा कि ये खा पी नहीं रहे, सेकेंड डे हमने देखा कि ये इनमें से कुछ खा पी रहे हैं, तीसरे दिन मैंने देखा कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि थोड़ी सी इनकी हेल्थ कम हो रही थी, यानी वीक हो रहे थे तीसरे दिन। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, या तो हम इनको पकड़ते वापस और केजेस में डालते, या फिर एक आखिरी दिन और टेस्टिंग का देते। तो मेरे साथ उस्मान होता है, इसने मुझे कहा कि आप कल देख लें, फिर इसका जो भी होगा हम फैसला कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे आफ्टर थर्ड डे ऑन द फोर्थ वन वी ऑब्जर्व दैट दे आर फीलिंग कम्फर्टेबल देन बिफोर। तो अब ये कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, ये उतरते भी हैं, और मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेन क्यों कर रहा हूँ, मुझे वीडियोज़ बनानी होती हैं, आपको पता है, तो मैं ट्रेन इस तरह से कर रहा हूँ कि जब मैं सॉफ्ट फूड का बाउल लेकर आऊँ तो ये सारे मेरे हाथ पर ही चढ़ जाएँ या मेरे ऊपर ही आ जाएँ सारे एक साथ। मैं इसलिए ट्रेन करना चाह रहा हूँ, और ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत शौक से देखी जाती हैं जिसमें आप सॉफ्ट फूड लाएं और कॉकटेल आपके उड़ते हुए आपके पास आना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि वो टेम हो, बट भूख के मारे तो आपको पता है वो करीब आते हैं। अब ये केजेस में जो कॉकटेल आप देख रहे हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, हमने इनको अभी बाहर नहीं निकाला है, बट जो हमने निकाले हैं उनमें से कुछ एक्सपेंसिव भी हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा अभी देखने के लिए, क्योंकि ये अभी व्हिस्टलिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, तो मेरा इरादा ये है कि अभी हम सॉफ्ट फूड ला के थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। दिखाना सॉफ्ट फूड लेकर आओ, ये मुझे पकड़ा दो, ऑन है ना रिकॉर्डिंग। भाई उस्मान हमारी हेल्प करवा रहा है, और वो हमने देखे ऊपर कॉकटेल्स छोड़े ना सारे, ये सारे, और वो देखें वो बैठे हुए ऊपर। तो तकरीबन ये पीसेस हैं अच्छे खासे, 8 से 10 पीसेस हैं जो हमने छोड़े हैं, या उससे भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे, बट अभी हमने देखना है कि ये, क्योंकि ये काफ़ी अटैचमेंट हो गई है मेरी इनके साथ बाहर खुले में रहते हुए। हालांकि ये टेम नहीं है, एंड हमारा भी कोई इरादा नहीं था को टेम करने का, अभी भी टेम नहीं कर रहे, जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए हम इनका रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ना ये वाला आता है, ब्लैक वाला, ये हम इनको दिखा रहे हैं इनका सॉफ्ट फूड। हाँ, थोड़ा सा इधर लेके आओगे ना, अब ये देखना तुम्हारे पास आएगा। अब हम ये नोटिस करना चाह रहे हैं, अभी आएगा, फौरन आएगा, काला वाला ही आता है ना। देखें गाइस, हम मेरा जो भाई है वो भी ये कह रहा है कि काला वाला सबसे पहले आता है। एक तो यहाँ बैठा हुआ, ये देखें इसकी हेल्थ माशाल्लाह से, क्या साइज है इसका, देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एक ये रहा ऊपर, अच्छा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम कई देर घंटों बैठे रहते हैं, कभी कभार ये नहीं आते, कभी ये फौरन उतर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दे आर गेटिंग रेडी टू जंप एंड दे हैव स्टार्टेड विस्लिंग एज यू कैन सी हियर। अब ये आ रहे हैं, देखें अब ये आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, अब सॉफ्ट फूड देख लिया है इसमें, ये देखें। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इनको डालते हैं, ठीक है, फिर ये खुद भागते हुए आएंगे, पहले इनको डालो जरा। अब इनको लग रहा है कि हम सिर्फ इन्हीं को ही देंगे सॉफ्ट फूड, और ये देखें माशाल्लाह से, नीचे वालों को डालो। हमारा यही काम है, ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते हैं इनको, हम समझते हैं कि इनके बच्चे क्यों मर रहे हैं, या ये अंडों पर क्यों नहीं बैठ रहे, या फिर ये अंडे ही नहीं दे रहे, या ये खुले में कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर ये कैप्टिविटी में कैसे हैं, इनको गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही, यही हमारा काम है, और यही हम लोग इनको देख रहे होते हैं पूरा पूरा दिन।
और ये सब चीज़ें नोट करने के बाद हम वीडियो में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं इन्हीं रिसर्चेस को, जो कि छोटी छोटी सी होती हैं, कोई भी आम बंदा या खुद से भी कर सकता है। इसको कहते हैं बर्ड का बिहेवियर रीड करना, कि बर्ड कब क्या क्यों कैसे कर रहा है और उसको चाहिए क्या, तो ये सब चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। अगर अगर आपको हॉबी का शौक़ है तो देखिए माशाल्लाह कॉकरेल कैसे उतरते हैं खाने के लिए। देखो ऊपर भी अभी एक आया, थोड़ा सा भी ये लोग मेरे ख्याल से सो के उठे हैं अभी अभी, इनकी रूटीन चेंज हुई हुई है क्योंकि हमने आपको पता है इनडोर रखे हुए हैं, इनकी रूटीन थोड़ी उल्टी चल रही है। अब हम देखेंगे कौन कौन आ रहा है नीचे। अब यहाँ पर डाल दो इस जगह पर, अब हम सॉफ्ट फूड थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ फैला के फैला के, बस बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत। अब इनको डालना ज़रा, ये जो है इनको डालो, ये गाइस क्रीम फेस है हमारे पास, येलो येलो क्राउन कॉकटेल है ये, देखिए आप इसको, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन विच वी हैव इट राइट नाउ एंड वी हैव थ्री। पता नहीं क्या हुआ, अचानक फड़फड़ा रहे हैं, डर रहे हैं। हाँ नीचे से कोई आया तो डर गई। अच्छा अब इनको भी डाल देना इनके प्याले में, पहले इनके प्याले से ये निकाल देते हैं और ये हम जो बचा हुआ पार्ट है वो हम यहाँ डाल देते हैं, ये फिशर हमारे खा लेते हैं। अब हम इसी में डालेंगे इसको, ये देखें गाइस हम लोग प्याले को अंदर डाल रहे हैं और अब इसमें सॉफ्ट फूड डालेंगे। अच्छा ये बहुत शौक से खाते हैं सॉफ्ट फूड, देखें ये येलो क्राउन है, इसका आप साइज़ देख लें माशाल्लाह से, बहुत हेल्थ भी बहुत अच्छी है इसकी, साइज़ भी इसका बहुत अच्छा है। इनको हाँ डाल दूँ, एक ये क्रीम फेस है येलो फेस जिसको आप कहते हैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत चीज़ है ये येलो फेस येलो क्राउन, माशाल्लाह से इनको चेक करें ज़रा आप गाइस, ये चेक करें जिस तरह ये आ जाते हैं ना बहुत फौरन से, हम चाह रहे हैं कि खुली एवियरी में इस तरह से हमारे पास ही आए। और उस्मान मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो क्या अभी शुरू हुई है क्या, खुली